नमस्कार। 28 अप्रैल को गवर्नमेंट की न्यू गाइडलाइंस आई थी, जिसमें उन्होंने एक शब्द कहा था कि भाई जिनको श्वास की तकलीफ है वो भाप ले सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद बहुत सारे लोग जबरदस्ती भाप वाप एकदम नाक वाक में पैक करके उबाल उबाल कर लेना उन्होंने शुरू कर दिया। तो क्या ये जरूरी भी है, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए कि भाई सेफ भी रहे और इस तरह का पागलपन भी ना करे, पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद में, जहां हम बात करते हैं शुद्ध आयुर्वेद की। और आज का टॉपिक है भाप के ऊपर। सबसे सिंपल बात, आयुर्वेद में भाप जो शब्द कहा गया है उसके लिए वो एक श्वेत का तरीका है, ठीक है। स्नेहन, स्वेदन, इस तरह के शब्द हैं। तो स्वेदन वर्ड का मतलब होता है कि ऐसी चीज करना जिससे कि बॉडी में पसीना निकले, ठीक है, उसलिए स्वेदन करते हैं। अब जो आजकल इन्फेक्शन फैला हुआ है, क्या उस इन्फेक्शन को भाप लेने से वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा? तो अभी तक की रिसर्चेस तो कहती है कि नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं मरता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कितनी भी भाप ले रहे हो, क्लियर। तो वो भाप लेंगे, मतलब कई लोग ऐसे जो एकदम गर्मा गर्म उबलता हुआ भाप ले रहे हैं कि अंदर से पूरा जलाई डालता हूं, आग लगा दो चिलमन में, ना ये झाके ना वो झाके। तो हम आग लगा देते हैं, ना वायरस बचेगा ना कुछ होगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर बहुत ज्यादा गर्म भाप लेने से आपकी बॉडी में क्या तकलीफ हो सकता है वो पहले जान लेते हैं। सबसे पहले जब आप भाप लेते हैं तो क्या कर रहे हैं, तो स्वेदन जो है वो पित्त का एक टाइप है। आप बॉडी में हीट पैदा कर रहे हैं, पित्त बढ़ा रहे हैं। वो पित्त बढ़ने से क्या होगा कि आपके शरीर में गर्मी बढ़ेगी और गर्मी बढ़ने से आपके शरीर में से स्वेद निकलेगा या पसीना निकलेगा या स्वेट निकलेगा, ठीक है। तो स्वेदन लेना या भाप लेना या स्टीम लेना वो एक तरह से बॉडी में पित्त बढ़ाने का एक तरीका है। अब ये बहुत काम की भी चीज है और बहुत खराब चीज भी है। काम की चीज कहाँ है, जब आपको बॉडी में ऑब्स्ट्रक्शन हो, बहुत ज्यादा कफ हो गया है, नाक पूरी ब्लॉक हो गई है, गले में पूरा कफ है, श्वास नहीं ले पा रहे हो, इस तरह की तकलीफें हैं, या जिसको कंजेशन वर्ड बोलते हैं, या वीजिंग हो रहा है, बहुत सीने से श्वास ले रहे हो, इस तरह का कुछ लोगों को साउंड आता है। अगर आपको साउंड आ रहा है वो, तो बहुत यूजफुल है। बहुत ज्यादा कफ निकल रहा है तब फायदेमंद है, नाक पूरी ब्लॉक बंद है तब भाप आपके लिए यूजफुल है। या बॉडी में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, बॉडी सूखती जा रही है, वजन कम होते जा रहा है, तो उस टाइम पे शरीर पे तेल वेल लगा के थोड़ा भाप लेंगे तो एक्स्ट्रा ड्राइनेस या जो एक्स्ट्रा वात और कफ बढ़ा है वो कंट्रोल आ जाएगा। तो वात और कफ के लिए बहुत अच्छा है। पर जिन लोगों को ऑलरेडी हाइपरटेंशन की तकलीफ है, जिनको ऑलरेडी पित्त की तकलीफ है, जिनको ऑलरेडी एसिडिटी होता है, बहुत गर्मी लगता है, खून पतला होने की जो लोग दवाइयां ले रहे हैं उस तरह के लोग, या जिनको ब्लीडिंग की हिस्ट्री है कि नाक से खून निकलता है, मुंह या गम्स जो आपके दांत वात है वहां से खून निकलता है, मल मार्ग से यहाँ से खून निकलता है, या पहले स्ट्रोक की तकलीफ हो चुकी है, हीट बहुत लगती है, थोड़ा भी गर्म चीज खा लिए तो बॉडी में तकलीफ बढ़ जाती है, ऐसे लोग अगर भाप लेने जाएंगे या स्टीम लेंगे तो वो अपनी बॉडी का और सत्यानाश कर रहे हैं, वो बॉडी में पित्त बढ़ा रहे हैं। एक्स्ट्रा पित्त बढ़ने से क्या होगा, तो जब आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा पित्त बढ़ जाएगा तो आपके शरीर की जो कैपिलरीज है वो फट सकती हैं, या ज्यादा हीट के कारण आपको हृदय रोग हो सकते हैं, या फिर नाक वाक से खून आने की तरीका, या स्ट्रोक जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप खुद से पैदा कर सकते हैं जबरदस्ती भाप लेना। जिसको कोई तकलीफ नहीं है, एकदम नॉर्मल है, उसको भी पकड़ के नाक में घुसेड़ के कि चल तेरे को भाप दे देते हैं, ऐसे कुछ नहीं करना। अब कई लोग उसमें तुलसी उलसी नींबू इम्बू ये सब डाल के कर रहे हैं, उसकी कोई जरूरत आपको है नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल है, तो भाप नहीं लेना। किसे भाप लेना है या किसे स्टीम लेना है, जिनका नाक वाक पूरा ब्लॉक है, बहुत कफ है, बहुत पहले श्वास की कोई तकलीफ रह चुकी है, कुछ भी खाया पिया तो कफ बनता है, गले में बार बार थूकना उकना पड़ता है, बहुत ठंडी लगती है, पूरा ब्लॉकेज है, जाम है, तो ही भाप लो। सबके लिए भाप जरूरी नहीं है। गर्मी का मौसम चल रहा है अभी, और गर्मी के मौसम में मई के महीने में अगर आप हीट, एक तो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में हीट बढ़ी है, उसमें और हीट बढ़ाने जाएंगे तो आप सोचिए आपके शरीर का क्या होगा, रक्त पित्त होगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होंगे, और वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी उतने ही खतरनाक है जितना श्वास के रोग। तो हमें ना यहाँ जाना है ना वहां जाना है, अति सर्वत्र वर्जित मध्यम मार्ग में बने रहना है, क्लियर। अब जिनको श्वास की तकलीफ है वो किस चीज की भाप ले, ये सवाल उठता है। तो सबसे सिंपल बात, आप एक अमृत धारा नाम की चीज आती है, उसे पानी में डालेंगे, उसकी भाप लेंगे, अच्छा खासा जो कुछ ब्लॉकेज है खुल जाएगा, जिनको ब्लॉकेज की तकलीफ है। तो बहुत स्ट्रांग होती है, सोच समझ के ही यूज कीजिए, या अमृत धारा की एक से दो ड्रॉप
नारियल का तेल या फिर तिल के तेल में मिलाइए उसको। आप ऐसे ऊपर ऊपर से भी नाक वाक में लगाएंगे या गले में या सीने पे लगाकर मालिश करेंगे, आप देखेंगे कि अच्छा खासा जो कुछ कफ है वो आपको निकलने लग जाएगा। पीने के लिए आप धनिया जीरा का पानी या फिर गिलोय का पानी या फिर सौंठ का पानी पी सकते हैं। जिनको कफ वफ है वो लोग ऐसे कर सकते हैं कि भाई सौंठ एक चम्मच ले लो या गिलोय एक चम्मच ले लो, दो तीन गिलास पानी में डालो, उबाल कर हाफ करो, ये करके ये पानी पियो। अगर गर्मी लगती है तो इस पानी को बंद कर देना या उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी ले लो। जिन लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, वो कोई भाप वाप के चक्कर में गर्मी के मौसम में कुछ मत पड़े। याद रखें कि कोई चीज गलत तरीके से करना उतना ही खराब है जितना कि कुछ ना करने, जिनको तकलीफ है कुछ ना करने से जिनको समस्या होती। कोई तकलीफ नहीं है तो सब भाप वाप तेल लेने जाए। आप जो आयुर्वेद में नियम बोला है कि सुबह उठो, पेट साफ होने दो, व्यायाम करो, तेल मालिश करो, व्यायाम करो, टाइम होने पर जो फिक्स खाना है वो खाना खाओ, इतना किया तो मोर देन इनफ है। फिर भी आपको डिजायर है कुछ तो बोलो करने के लिए, कुछ किए बिना नहीं रहा जाता। जो नॉर्मल लोग हैं तो आप नश्य कर्म कर सकते हैं, नाक में डालने के लिए जो अणु तेल टाइप के जो तेल है, या गर्म नेचर के लोग हैं तो वो नारियल का तेल घी, ठंडे नेचर के लोग हैं तो वो तिल का तेल या सरसों का तेल आप नाक में डालिए। ये मोर देन इनफ है आपके पूरे सिस्टम को क्लीन करने के लिए, एक्स्ट्रा भाप की आपको जरूरत नहीं। तो उम्मीद है भाप जबरदस्ती ले लेके जिनको जो हर जगह प्रचार कर रहे होंगे या ऐसे कुछ भी फेक वीडियोस होंगे वो अब रुकेंगे, और जिनको जरूरत है केवल वही लोग भाप लेंगे। और कुछ डाउट है कोई टॉपिक के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।